भाई साहब बाहर ही बैठे रहते हैं हमेशा। आज फिर बाहर बैठे हुए हैं क्यों भाई साहब? आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज भी चौकीदारी पे बिठाया गया आपको? क्या बताना चाहेंगे आप? बताना चाहेंगे कुछ? ये बताते नहीं है भाई साहब कुछ। अब ये इनके दूसरे भाई आ रहे हैं और ये अंदर जा रहे हैं। लग रहा है चौकीदारी अभी दूसरे भाई करने वाले थे लेकिन उनका भी मन बदल गया। अपनी माँ के पास पहुँचे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग। क्यों भाई साहब आज चौकीदारी पे नहीं आएंगे क्या? मन नहीं है क्या? कुछ बोलिए भाई साहब, बोल ही नहीं रहे भाई साहब। चौकीदारी का प्लान लग रहा है नीचे से ही निभाने वाले हैं, नीचे बैठ के। और उनकी माँ और दूसरा भाई, तीनों भाई भाई हैं ये, एक ये खासियत है तीनों ही भाई हैं। वो जो लास्ट में बैठा है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको दवाई ववाई दिलवाई थी तो अभी सही है थोड़ा। ये भाई साहब भी ज़्यादा चालाक हैं खाने में भी और उद्यम करने में भी। देखो ये कमज़ोर भाइयों के ऊपर बैठ रहे हैं ये। हेलो कम ऑन, आ गए थे ये। देखो ये इनको तुरंत बुलाओ, तुरंत ही आ जाते हैं। आ जाओ। और ये सुंदर भी काफ़ी लगते हैं। देखिए अब ये चौकीदारी पे बैठ गए हैं भाई साहब। हाँ भाई साहब क्या कहना चाहेंगे चौकीदारी पे बैठ के? क्यों भाई साहब शर्मा गए क्या? हेलो आपका ड्यूटी लगेगा भाई साहब, हमें लग रहा है ये आपके भाई एक भी ड्यूटी नहीं करने वाले आज। वो तो बैठेंगे अपनी माँ के साथ, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। देखिए ये भी कह रहे हम भी बैठेंगे, आज कोई चौकीदारी नहीं करेगा। कर लो भाई चौकीदारी कोई, तो नहीं करेंगे बता, हम भी रूठे हैं नहीं करेंगे। आओ चौकीदारी आ जाओ। वो देखो अपनी माँ के ऊपर ही बैठ गया, ये बड़ा शैतान बच्चा है ये। देखिए आप लोग, ये कह रहा मैं भी बैठूँगा अपनी माँ के ऊपर। देखिए ये सारे के सारे शैतान हैं, वो छोटा वाला ही सीधा है बेचारा। देखिए ये तो बहुत ही चालाक है, बहुत शैतान है ये। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऐसे ही खुश रहें, धन्यवाद।